परिवार के सारे दिन हिल्स में जहां भी रहता हूँ परिवार देखता हूँ, नहीं होता परिवार जैसा माहौल क्रिएट कर देता हूँ। तो सागर दीन हिल्स से पधारे मेरे सहयोगी, क्योंकि हम लोग वहां भी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। कर्नल दर साहब अमित दुबे जी भाईजान मेरे, और द्विवेदी जी बहुत अच्छे सपोर्टर। परिवार की बात करें तो मेरे परिवार में मेरी छोटी सिस्टर आई है जयपुर से, और उनके हस्बैंड भी जिनको आपने सुना, मेरा बेटा। देखिए थोड़ा तो पार्शल होना पड़ेगा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी पत्नी, हाय। तो ये मैंने पहले इंट्रोड्यूस इन सभी को किया, और एक मेरा परिवार है। आप लोग कह रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ रिटायर्ड टायर कह के, मैं सुन रहा हूँ, तो मेरा परिवार जो आईसीएम का परिवार है, एनसीसीडी का परिवार, आप सभी का धन्यवाद पहले मैं देता हूं। और कल शाम से जब मैं यहां से गया और मैंने देखा, और आज तो पूर्ण तरह से महसूस कर लिया कि आज बेटा आज तेरा ही दिन है, चिंता मत कर, आज सब तेरी ऐसी तारीफ करेंगे। अभी चना का मौसम अभी आएगा झाड़ का अभी चलिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी व्यक्ति जो रिटायर्ड होता है उस दिन उसकी कोई ऐसी बात बतलाई जाए, या कोई कभी भी बतलाई जाती तो बड़ी कुदेन की गोली जैसे मीठी होती है, अंदर से यानी ऊपर से स्वीट कहना चाहिए टॉफी जैसी। तो यहां मैंने सुनी, इशारा मैंने लोगों का सुना, लेकिन परिवार के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी वेदनाएं संवेदनाएं, और मेरे साथ प्यार अफेक्शन है उन्होंने यहां व्यक्त किया, मैं सहृदय से बिना किसी भेदभाव के स्वीकार कर रहा हूं। पहले मैं अपने परिवार के बारे में बात करूंगा कि जैसे परिवार फैमिली का मतलब हम समझते हैं मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरे पिताजी, ये तो है नेचुरल है, ये माया नगरी, मैं इस्कॉन से जुड़ा हूं, थोड़ा इस्कॉन के साहित्यिक उसमें ये धार्मिक उसमें भी स्पिरिचुअल उसमें बात करूंगा। तो ये तो माया नगरी है, और संसार को चलाने के लिए ये माया जाल होना भी जरूरी है, नहीं तो इसके बिना ये संसार चल नहीं सकता। ये भगवान का बनाया हुआ माया जाल है, और हम सब उसमें उलझे हुए हैं, उस जंजाल में उलझे हुए हैं। तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं उससे कैसा अछूता रह सकता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कहा जाता है पूर्ण से संपूर्णानंद बनने के लिए, पूर्ण से संपूर्णानंद बनने के लिए आपको एक संत चाहिए रहता है, एक आपको फ्रेंड फिलोसोफर गाइड चाहिए रहता है। तो जहां तक स्पिरिचुअल, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मेरा ऐसा मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, मेरा ऐसा मानना है कि कर्मों से भी ब्राह्मण मैं हूं, और व्यक्तित्व भी होना चाहिए कि आपको अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। और पिछले 2-3 साल से, और मेरे इसमें भी मुझे बतलाया गया है कि यदि आप उससे जुड़ेंगे तो आप बहुत कुछ पावर गेन कर सकते। तो पिछले 2-3 साल से मैं इस, अब बिना गुरु के तो संभव नहीं है, तो मैं बतलाना चाहूंगा कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, या भगवान या जो भी होती पुराण कह लीजिए जो भी है, उसमें मेरी आध्यात्मिक गुरु माता, देखिए पत्नी का संबंध है लेकिन गुरु माता, गुरु मैंने माना है मेरी श्रीमती, और मैं बिल्कुल कर सकता हूं। तो कई बार मैं इनको छेड़ता भी हूं कि आप मुझे बताओ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं रहता, ये बात सही है, मैं कहां कौन सा इतिहास ये वो पढ़ू, लेकिन इनसे जब हम लोग जब भी मिलते हैं तो ये मुझे बताते हैं ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और मैं अब उसको महसूस करता हूं अब उसको, क्योंकि जब हम लोगों की शादी हुई थी, हम लोग गठबंधन में बंधे थे, बहुत सारे ऑफर थे और इनको भी बहुत सारे ऑफर थे, लेकिन ऊपर वाला ने हमको माया जाल में फंसाया है तो हम फंस गए। और उस समय मैंने इनके सामने सिर्फ एक ही शर्त रखी कि भाई नौकरी वोकरी सब छोड़ना, मैं तुमको सबसे बड़ी नौकरी दूंगा मेरे परिवार का लालन पोषण, क्योंकि मैंने हमेशा एक महिला की कमी मेरी लाइफ में महसूस की है, इसलिए की है कि जब मैं छोटा था मेरी मदर शादी हुई बहुत जल्दी,
जी थे, आप लोगों ने अधिकांश लोगों ने देखा, काफी संत थे, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, इवन जो भी तनखा पैसा भाई आप लोग, तो मैं और मेरी दूसरे नंबर की सिस्टर, हम लोग पूरा घर परिवार चला रहे। वो अनुभव जब किसी यंग युवा का घूमने का समय होता, मौज मस्ती पटाखे का समय होता है, हम गंभीर विषयों पर चर्चा करते थे, उस पे काम करते थे, उसको मूर्त रूप देते थे। तो आज जो आप देख रहे हो, आज कॉन्फिडेंस जो है, या किसी भी काम को मेरे लिए कोई चैलेंज की बात नहीं होती, किसी भी इधर कोई किसी भी फील्ड का कितना भी टेक्निकल, उसका कारण ये है। आज मैं आपको बता दूसरी चीज, कर्नल साहब हम बैठे हैं, मेरा एनसीसी का करियर बहुत जबरदस्त है, और सर मैं हमेशा आर्मी वालों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मेरा एसएसबी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन हाइट के कारण मेरा नहीं है, और एनसीसी में मेरा आउटस्टैंडिंग करियर, कर्नल जीत वाला ग्रुप कमांडर इंदौर के थे, उन्होंने खुद ऑफर किया था, लाल परेड ग्राउंड पे मैं आया था उज्जैन से, लेकिन हाइट 163-165 होना चाहिए, उन्होंने तो मैं बड़ा फेड अप हुआ कि अरे मुझे तो यही नौकरी करनी थी, अनुशासन ये वो सब थी, और आपको ताज्जुब होगा यहाँ तो बहुत छोटा सा समूह है, उस कॉलेज की एज में मैं लगभग 1.5 से 2,000 जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते थे उसका कमांडर रहता था, पूरी जो आर्मी की एक्टिविटी होती थी एनुअल ट्रेनिंग कैंप, वो मैं उन लड़कों से करवाता था जो कॉलेज के स्टूडेंट कैसे होते हैं, जो लड़कियां भी होते थे, उनका मैं लीडर था नंबर वन। उसके साथ साथ कॉलेज में थोड़ी छात्र राजनीति भी मैंने की, थोड़ी बहुत, उसमें भी मैं इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन से, कभी भी नॉमिनेट नहीं हुआ, इलेक्शन से लड़ा, यूआर भी रहा, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट, आजकल तो इलेक्शन बंद हो गए, नॉमिनेट कर देते हैं, तो वहां भी मैंने अपना दमखम दिखाया। तीसरी चीज, इसी के साथ साथ कॉलेज में भी विक्रम यूनिवर्सिटी में मैं पोजीशन होल्डर हूँ, तो वहां भी रहा, तो तीनों चीजें मेरी साथ साथ चलती थी, और पीजी लेवल पे तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट था, एक दो क्लासेस रखती थी जनरली प्रैक्टिकल, यानी जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट की होती थी, बाकी दिन भर फ्री है, नेतागिरी साथ में थे तो लोग घूमते थे, तो मैंने कहा नहीं नहीं कुछ करना भी चाहिए, तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता। तो ये सब चीजें आदमी की संघर्ष की कहानी है, और मुझे कहीं भी कोई भी निराशा हाथ नहीं लगी, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किस लेवल पे जाके काम कर रहा हूं, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इस काम के लिए कितना कम पैसा मिल रहा है या ज्यादा पैसा मिल रहा है, हमेशा मान सम्मान का भूखा रहा हूं, और आज भी परिषद से बहुत सारे फोन आए, हमारे सुपरवाइजर का भी आया, दो बार आया आज, तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि ठीक है, एक सरकारी प्रक्रिया है, आप मुझे सेवानिवृत्ति दे रहे हैं, आपका तो आदेश पहले से आगे आज इंस्टीट्यूट भी दे रहा है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने, इस संस्थान ने, एनसीसीटी ने मेरे परिवार को, आज मैं जो भी हूं, आज मेरी फैमिली में जो भी लोग कहेंगे, बच्चा जब पैदा होता है वो सिर्फ बच्चा होता है, लेकिन कुख्यात या विख्यात, नोटोरियस या फेमस आदमी या उसके कर्म बनाते हैं। तो एनसीसीटी ने मुझे आज वास्तव में मैं अच्छा हूं या मेरी काम की कोई तारीफ कर रहा है तो बिकॉज ऑफ एनसीसीटी, और एनसीसीटी का मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ के जो लोग काम करते हैं, और मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि इस पोजीशन पे है ये मेरा है, हमेशा ये मेरा टीम का मेंबर है, और सबसे बड़ी बात, आज के जमाने में महिलाओं के साथ काम करना बड़ा दिक्कत है, और हमेशा हमारे स्टाफ में महिलाएं हम लोग यहीं से भोपाल में, और मैं बता दूं सिर्फ मेरा सिंगल ट्रांसफर हुआ 2010 में, और पूरा इंडिया का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है RICM चंडीगढ़, 6 स्टेट हम लोग देखते हैं, यूपी चंडीगढ़ भी देखते हैं, वहां पर मेरा नंबर 2 की पोजीशन में, कई बार नंबर 1 की पोजीशन है, DDO विद DDO पावर, जितने चेक यहां मैंने साइन नहीं किए, यहां तो बहुत छोटे अमाउंट के थे, लाखों के चेक मैंने वहां साइन किए, कंस्ट्रक्शन वगैरह किए, और उस समय जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो वहां के डायरेक्टर एक प्रकार से
कहना चाहिए खंडवा निगवार की जैन के जेलर माने जाते हैं, आज भी उनका नाम चलता है। तो मुझे मुझे लगा कि अरे मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, मेरा भी अपने काम करने का स्टाइल है, काम करता हूँ लेकिन फालतू सुनने का मैं भी आदमी नहीं, तो ये चैलेंजिंग जॉब है, ठीक है करेंगे। आपको विश्वास नहीं हो, 3-4 महीने में वो ऐसे सरेंडर हुए कि आज तक वो आया, उनका मैसेज कल रात में भी आया था, आज सुबह भी उन्होंने विश किया मेरे को पर्सनली कॉल करके, तो बोले मुद्गल अब आप आइए पेंशनर एसोसिएशन में। तो मैंने कहा सर ठीक है अभी मैं आता हूँ। तो कभी भी मैंने किसी भी ढंग का, और वहां पे महिला स्टाफ बहुत है, ऐसे चंडीगढ़ में